दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मंजू जोशाल ब्लॉग में आज का वीडियो स्टार्ट करूँ मैं। अभी सुबह के 11 बज गए हैं, सुबह के नहीं दिन के ही 11 लगाओ, दिन हो ही गया। तो मुझे आज करना है, आज है जन्माष्टमी, तो मुझे करना है मंदिर साफ। मंदिर तो साफ होता ही है पर मूर्तियाँ साफ करने हैं आज। तो सुबह दियाबत्ती जलाते समय होता नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, फटाफट करना होता है और उतना टाइम भी नहीं मिलता है। अभी थोड़ा अंदर का सुबह से झाड़ू पोछा और अंदर का काम होता है खूब, उसके बाद अंदर का काम ख़त्म करके फिर आराम से मंदिर साफ करती हूँ। मंदिर साफ करके फिर मुझे जाना है हर्षु के वहाँ, और आज हर्षु का अन्नप्राशन है, तब तक 12:30 बजे तक जाऊँगी, हो ही जाएगा। और भी आज मैंने कपड़े नहीं धोए, फिर भी इतना काम होता है क्या ही बताओ, दिन भर काम ही रहता है सुबह से। तो मेरा स्कूल का टाइम हुआ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब से स्टार्ट करती हूँ मैं काम करना, तो वही आदत बन गया मेरा 8:30 बजे से ऊपर को, 8:30 बजे से शुरू करती हूँ झाड़ू पोछा। तो उसके बाद ऐसे ही आदत बन गया, छुट्टी के दिन उठ ही जाती हूँ मैं 6:30 बजे तक, फिर भी मतलब फ़ोन में लग के कुछ ऐसे ही टाइम पास करके चाय पिया, थोड़ा ऐसे बैठी, थोड़ा फ़ोन पकड़ा, तो ऐसे हो जाता है। फिर वही टाइम आ जाता है 8:30-9 बजे के टाइम पर, तब से फिर अभी मंदिर थोड़ा दियाबत्ती जलाया, पोछा लगाया थोड़ा, तो उसके बाद मूर्तियाँ साफ करनी है मुझे। आज धूल बैठे हैं और छिपकलियाँ भी पीछे से मूर्तियों के पीछे से ऐसे गंदा कर दे रहे हैं, बिल्कुल ही बेकार, भगाते रहती हूँ पर पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं कितने सारे छिपकलियाँ, भगाती हूँ फिर पता नहीं जहाँ से आ जाते हैं। खिड़की में इसमें और मूर्तियों के पीछे फोटो के पीछे ऐसे कर दिया है ना, दो छिपकली तो है ही है। मैंने इनको सब उलट पुलट करके रखा है, तो पहले यहाँ पे टप लेके आई हूँ, इसमें इसी में धोती हूँ पानी से फटाफट। और मेरे कृष्णा जी के कपड़े भी बिल्कुल पुराने हो गए हैं, इस बार मैंने नया वाला लेके आई हूँ। ये झोला भी, इसको भी धोना है पूरा, यहीं पे टप में धोती हूँ सब मूर्तियों को, और बाहर छत पर जाने लायक नहीं हुआ है, धूप लगा है खूब। अभी मैंने पीताम्बरी से धोया है, काला काला चचा हुआ था, तो वो अब ये साफ पानी से धोती हूँ फिर कपड़े पहनाऊँगी। मंदिर साहब और भगवान जी को नए कपड़े भी पहना दे, अब करती हूँ और काम। और यहाँ पे गिन्नी और नब्बू आए हैं आज के रचना बन के, दो भाई बहन, उनसे भी मिलवाती हूँ मैं आपको। यार नब्बू का कितना अच्छा गाड़ी है यार, मंगो चला तो नब्बू का गाड़ी चला, सिखा दो मंगो नब्बू को गाड़ी चलाना। यहाँ पे नब्बू कृष्णा बन के आया है और इसके पास दो गाड़ियाँ हैं, अभी इसका मेकअप करना है, ये इधर देख, अभी इसको टीका लगाना है ना। आधा आधा कृष्णा बन के आया है घर से, आधा यहाँ पे बनाना है अभी। यहाँ पे गिन्नी हो रही तैयार, अभी बाल बनाना है इसका, ये भी कृष्णा बनी है, दोनों भाई बहन कृष्णा बनी हो ना। कैसा लग रहा है? अच्छा, ये दांत दिखा, दांत कब से नहीं आए तेरे? एक साल पहले से बोल। चल फिर चल, अभी बाल बनाना है ना, बाल बना के कितना सुंदर क्यूटी क्यूटी लग रहा है गिन्नी तो आज, देखो तो बढ़िया सा कृष्णा बनी है। और तू डांस कर दे, चल यहाँ पे कर दे तो। बिल्कुल है ना, में डांस कर, हाँ तो बिना गाना का भी डांस करते हैं बढ़िया से, ये धीरे धीरे मुझसे भी गाते हैं और बिना गाने का डांस भी करते हैं ना।
तेरा पापा ने क्या सिखाया उसमें डांस कर गाना कर देते कैसे डांस सिखाया तेरा पापा ने डांस हाँ कैसे करेगी ऐसा करेगी हाँ से वो भी आएगा ऐसे भी कर ऐसे भी सिखाया भल हाँ तेरे पापा ने सिखाया तुझे डांस अब नहीं दूंगी तेरे को करना वाला कौन रहा है अब गाना तो नहीं आ रहा है इसको पर इस टाइम याद करके रखा है तुमने ना आज मेरे दिल है गाने से फिर इसका इस टाइम से गाना निकालना पड़ेगा यार इधर इधर आ उसे मैचे पर मत जा हाँ बोला बोला शाम हो गया अब मैं बनाती हूँ शाम का खाना तो दिन में हर्ष का अन्नप्राशन था तो वहाँ से खा के आए हैं अभी थोड़ा सा बनाने चलाने के लिए बनाती हूँ बस ज़्यादा इतना ही पकौड़े बनाना मैं इतना पकौड़े बनाती हूँ और चलाने के लिए सेवियाँ बनाया है वैसे भी बच्चे नहीं खाते हैं बोले 4 बजे खा के आए हैं तो खाली मंदिर में चलाने के लिए थोड़ा सा मेरा पूजा अभी 8:30 बजे हैं अभी कर दिया मैंने तो हो गया हमारा खाना पीना अब सोते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय